कराएंगे कट। कट करा के अभी इसकी जो सिस्टम है ना सारा, इसको मैं ज़रा प्यारा सी गुलाई देता हूँ। परली तरफ भी मैंने निशान लगाए हैं, उसको भी हमने तकरीबन 5 मिलीमीटर आपके भाई ने उतारा है, बाकी इतना ही वहीं से उतरेगा। तो नहीं दूसरी तरफ घुमाई, नहीं बेहतरीन है। अस्सलामु अलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, टू अनदर वीडियो। क्या हाल है, सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सो ये बॉयज़, फिलहाल का सीन कुछ ऐसे है कि ऑफिस जाना है और बाइक जो है अपना वो हुआ ख़राब। हमने फ़ोन अ फ्रेंड किया तो आगे भाई साहब हैं बिज़ी, उसको थोड़ा टाइम लग जाना है, लेकिन अपना है ऑफिस का टाइम, हम पहले लेट हो रहे हैं तो हमें ऑफिस जाना पड़ेगा गाड़ी पर, तो हमें गाड़ी निकालनी पड़ेगी। दिल मेरा नहीं था आज, क्योंकि जो इसकी हालत है ना यारा जी, इसकी जो हालत हुई हुई है मेरा ना आजकल बिल्कुल ना, वो एक मूड अजीब सा हुआ है इसके थ्रू भी, वैसे भी ओवरऑल भी सारा कुछ किया जाए ना, क्योंकि यार ये जो हाइट है ना इसकी, ये देखो ये मुझे बहुत चीज़ चढ़ चल रही है मुझे इससे। ये देखो पूरा खप्पा है यार, उसके नीचे चेक करो पूरा हाथ फाज, इतने गाड़ी ऊंची है। अभी आवाम कहती है गाड़ी नीची है आपकी, अब बताओ ये देखो पूरा पता नहीं थब्बा थब्बा हवा में है ये गाड़ी है। मैं इसको खुश हूँ और इसमें क्या हूँ अब है, क्योंकि आपको पता है अपन को चाहिए इसकी यार कम अज़ कम भी ना गाड़ी अपने को इधर तक तो चाहिए ही चाहिए ना। अब देखो ये इतनी हवा में जो हुई है तो कैसी अच्छी लगेगी ये तभी अच्छी लगेगी जब इसका कोई हल होगा, जब इसका कोई हल होगा तभी ये गाड़ी नीचे जाएगी, तभी ये गाड़ी अच्छी लगेगी। और इसका जो हल है ना ये आज मेरी वजह से ही हुआ है, यानी कि नहीं हुआ तब तो आपको सारी बात गाड़ी के अंदर बैठ के। फिलहाल जो है ना इसको निकालते हैं, जाने की तैयारी करते हैं, सामान उठाते हैं, बाद में पहले इसको करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये गाड़ी फिर मैंने आप लोगों को कहना है लंबे ऐसे खड़ी हुई है, फिर तुम्हें कहना है खलोती रहती है भाई जान, क्योंकि यार इसको ना आजकल चलाने को दिल नहीं करता, वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इसका जब तक काम शाम ख़त्म होंगे ना, अब ये गाड़ी खड़ी हुई है वेडनेसडे की, नहीं हाँ हाँ वेडनेसडे की नहीं मंगल की खड़ी हुई है, ट्यूसडे की। बैटरी तो ऑन है, गाड़ी न्यूट्रल है आई थिंक सो, हो जाएगी थोड़ा रेस को साथ करना पड़ेगा, हो जाएगी। हाफ साल स्टार्ट हो गई है, तो बस पहले साल में जरा बहुत ही ज्यादा हमने जरा फ्री होकर इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है ना, ठंडी मुंडी को ये चीज़ है। अब ये थोड़ी देर गर्म होती है, इतने में हम ना जरा बाकी अपनी सेटिंग कर लेते हैं। भाई अब घर से निकल चुका है और अब आपको अगर थोड़ी सी हम अपडेट दें कि आज क्या है, पहली बात तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आज हमने किया पूरा रेस्ट, जबकि आज हमने रेस्ट नहीं करना था। हमने करना क्या था कि ऐसे आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने जाना था डेंटर के पास जाके इसकी बैग से थोड़ी सेटिंग करानी थी, वो वाला सारा काम कराना था, थोड़ा नीचे काम होने वाला इसका डेंटिंग का वो करना था, खैर ये हमने जो काम था ना इससे फ्री होना था, तो वो आज आपका भाई नहीं गया। क्यों नहीं गया, कोई इशू नहीं था, आपके भाई का मूड नहीं था, सीधी सी बात है। आज ऐसी मूड की जिद हुई है ना कि आज हमने कहा है कि आज हमने कुछ भी नहीं करना, कहीं भी नहीं जाना, ऐसा हो गया। हमने ना एक स्केजुअल वाली लाइफ गुजार ली है सुबह से लेके, क्योंकि यार देखो ना मूड कभी कभी आपका मूड फंस जाता है, मूड ऐसे फंस जाता है कि यार अजी पिछला आपका भाई एक दो महीने से ना बस लगा हुआ था, कभी एक रूटीन में लगा हुआ था, आना जाना एक जगह से, आना दूसरी जगह पे चला जाना, दूसरी जगह से आना आके दोबारा काम करने लग जाना, सो जाना फिर, यानी कि ना दिन का पता लग रहा था ना रात का पता लग रहा था, कोई रूटीन नहीं बन रही थी, ना कोई नींद पूरी हो रही थी, ना कोई खाना टाइम पे हो रहा था, ना मेंटली हेल्थ सेट हो रही थी, ना फिजिकल हेल्थ सेट हो रही थी, तबीयत का कोई समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर ना बीच में कभी कभी बंदे को थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेना चाहिए थे, इसीलिए हमने ना आज चुप करके घर बैठा रहा, मैंने कहा यार दफा करो आज ना, रेस्ट करो बस, सुकून करो घर बैठ के, कुछ भी नहीं करना। फिर ऑफिस जाना था, ऑफिस इसको लेके जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि वो आपको मैंने पहले बता दिया हाइट इशूज हो, हाइट इशू मैटर नहीं करता यार, देखो चीज़ ना कम्प्लीट नहीं है मेरे हिसाब से, बेशक नो डाउट ऐसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी है इस कंडीशन में प्यारी है, लेकिन
यार वो एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं है कि यार क्या होता अजीब सा ये वो चीज़ ना, तो वो जब तक अपने हिसाब से गाड़ी ड्रॉप नहीं होगी, एक सेट नहीं होगी ना, तो वो मज़ा नहीं कराएगी। उसी वजह से गाड़ी की सफाई नहीं हो पा रही, नीटनेस नहीं रख पा रहे, क्योंकि एक चीज़ बंदे को जब पूरी एक अच्छे तरीके से प्यारी लग रही ना, वो बंदा उस पर मेहनत करने को दिल भी नहीं करता बंदे का। अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक। हाल है सब ठीक ठाक, खैर खैरियत से हैं? अपनी तबीयत बड़ी आवाज़दार हुई पड़ी है बॉयज़। अच्छा तो यार ये सीन कुछ ऐसे है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका बाइक इन चक्रों में पड़ा हुआ है, पता ही होगा। रिम लिए थे, रिम ले के उनकी फिटिंग शिटिंग के सारे चक्रों में पड़े हुए थे, फिट हो गए थे, फिटमेंट नहीं बन रही थी, या फिटमेंट के चक्रों में हम रुल रहे थे। तो फिलहाल फिर सीन ऐसे हुआ कि आपका भाई हो गया दोबारा गायब। अब दोबारा गायब क्यों हुआ? क्योंकि आप सबको पता है कि आपके भाई ने लिए थे रिम, रिम भी लिए थे, साथ कॉयल ओवर भी लिए थे, एक दफ़ा गाड़ी पर जंगा मान के खर्चा किया था। तो फिर आपका भाई हो गया था बिल्कुल खाली, बिल्कुल आपके भाई के पास ना एक रुपया नाम की चीज़ होती है ना भैया जी, वो भी नहीं रही थी, क्योंकि जो एंड में 2000 बचा था उसका हमने गाड़ी में पेट्रोल लगा के गाड़ी खड़ी कर दी थी, ठीक है। अब सीन कुछ ऐसे है कि भैया जी फिर हमने सुकून से रेस्ट किया, हमने 2 हफ्ते को रेस्ट किया, जैसे कि आपने देखा ब्लॉग भी नहीं आए होंगे परसों ही, कल परसों हाँ फ्राइडे वाले दिन मैंने एक ब्लॉग डाला तो है, वो पुराना ही शूट हुआ हुआ था, वो डाल दिया। तो अब सीन कुछ ऐसे है कि अब उसका कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना क्या है कि भैया जी ओवर फेंडर आए पड़े हमारे, उसमें अब थोड़ा सा हमारे साथ ये हैंड हुआ कि मैं समझ रहा था प्लास्टिक के आ रहे हैं, लेकिन वो देखा तो वो फाइबर के थे, फिर मैंने जाके वो दराज से मंगाए थे, ऐड भी देखा तो बाकी वो फाइबर के ही आने थे, बट कोई नहीं कर लेंगे उसके साथ। तो अभी फ़िलहाल सीन ऐसे है कि नीचे खड़ी है गाड़ी, रात को मैंने इसको थोड़े से पंगे दिए थे, मैंने निशान वगैरह अपनी तरफ से लगाए थे कि भैया जी कहाँ से कटिंग करनी है, कहाँ से नहीं करनी, ठीक है ना, जितनी मुझे समझ में आती है मैंने निशान वगैरह लगा दिए, क्योंकि यार खुद ही करना पड़ेगा, कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं है ना, कोई ऐसा काम करने वाला बंदा है। अब निशान लगाते हैं उसको, एक दफ़ा प्रॉपर निशान लगा के फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो चलें शुरू करते हैं, उम्मीद करेंगे आज सारे काम हमारे आज ही हो जाएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और भाई की आवाज़दारी से आपने ना ज़रा ग्रेज करना है, क्योंकि भाई जन हुई हुई है तबीयत आवाज़दार, क्या करें गला शला जो है ना, यू नो ना। सो जी बॉयज़, कुछ इस तरह के सीन हैं हमारे, मिट्टी शिट्टी आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर ना खाली बैक साइड पे कवर शीट दिया हुआ था, ताकि मैंने कहा धूप पड़ती है रैप का कलर ना ख़राब हो। बाकी आगे की सूरत हाल आप देख सकते हैं, टू मच मिट्टी गटा ये वो, लेकिन अगर हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह आज इसका ये गट्टी मिट्टी का आखिरी दिन ही हो, आज सारा काम इसका हो जाए। बाकी यार जी ये है कुछ सीन जो आपके रात को आपके भाई ने लगाया था, यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, इसको हमने तकरीबन 2.5 इंच ना यहाँ से देखा है ये चीज़, क्योंकि हमें यहाँ से गाड़ी चाहिए 2.5 इंच से भी ज़्यादा नीचे चाहिए तो हमें यहाँ तक, लेकिन 2.5 इंच इसलिए किया है 2.5 इंच का कट लगेगा, उसके बाद जब फेंडर यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे आता है तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा इसको, तो यानी कि गाड़ी तकरीबन 3-1 इंच यहाँ से नीचे चली जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो यस, ये गाड़ी हमारी तकरीबन कुछ भी नहीं तो यहाँ से 3 इंच नीचे निकल जाएगी, तो इतना इसको हम कराएँगे कट। कट करा के अभी इसकी जो सिस्टम है ना सारा, इसको मैं ज़रा प्यारा सी गुलाई देता हूँ, परली तरफ भी मैंने निशान लगाए हैं, उसको भी हम ना एक दफ़ा सही तरह देते हैं। ओए ये तो परमानेंट तो नहीं है ब्रो, ओके इसको परमानेंट कर लेते हैं। फिलहाल सीन कुछ ऐसे है कि आपका भाई करके आया शॉपिंग, और जो मैं कहता हूँ ना ये जो टूल्स इकट्ठे करने वाला नशा है ना, ओए ओए बड़ा दिल करता है, आपके भाई का दिल ऐसे करता है कि आपके भाई के पास ना हर एक टूल हो। तो फिलहाल अपन थोड़ी सी शॉपिंग करके आया, ग्राइंडर हमें पहले मिल गया था, तो एक ये अपन 17 की गोटी लेके आया, और ये 17 की चाबियाँ 17-14 की लेके आई, ये आपको बताता हूँ मैं क्यों लेके आया हूँ। बाकी ये अभी 2 डिस्कें लेके आया हूँ, इन 2 डिस्कों से हमने क्या करना है इसकी सारी कटिंग छटिंग, हमने कहा अभी ज़रा टूट छूट ना जाए अंदर एक आदमी, तो फिर ज़रा एक एक्स्ट्रा ले आए हैं हम, तो एक इस पर लगाएंगे, इससे हम ज़रा कट शर्ट लगाएंगे। उसके बाद ये जो ये लेके आया हूँ, ये इसलिए लेके आया हूँ कि मैंने कहा यार हमारा जब कटिंग भी हो जाएगी, फेंडर फ्लेयर भी लगा देंगे, पीछे बच जाएगा फिटमेंट वाला काम, तो वो क्यों ना आज खुद करके देखा जाए। तो इसके जो अंदर जो 2 नट यूज़ हुए होते हैं ना, 17 का 1 14 का, जो इसके शाखों वगैरह के कैम्बर शैम्बर करने के लिए सारा कुछ, वो 2 ये यूज़ किए होते हैं, तो हमने कहा ये भी हम साथ ले आए हैं। बाकी जो होती है ना पाना, उसके आगे गोटी, अब पाना जो होता है उसके आगे 14 की गोटी लगी होती है, हर गाड़ी में होती है, क्योंकि इसके रिमों को वो लगती है रिम वगैरह खोलने के लिए,
14 वाली हमारी वो चल जाएगी, 17 वाली हम ये ले आए हैं। तो हमें कहा जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी ये दोनों चीज़ों की, हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसकी फिटमेंट भी ज़रा खुद बना लें, सारा काम हम खुद ही घर में ख़त्म कर लें। बाकी अभी आपका भाई अकेला है, इसका रिमशिम खोलते हैं, अंदर से शील्ड उतारते हैं, ये काम करके फिर इतने में भाईजान भी आ जाएंगे, तो हम दोनों मिलके इसका ये वाला काम जो है ये ख़त्म कर देंगे। अभी मैंने ऐसे ही ऊपर फेंडर फ्लेयर रखा है, ओए होए होए, जब आके फेंडर फ्लेयर ऐसे रिम के साथ लगेगा ना, उड़ क्या मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो जी बॉयज़, फिलहाल सीन कुछ ऐसे है कि वाह वाह टाइम हो गया हमें, कोई 2 घंटे हो गए हैं इसी फेंडर को लगे हुए हैं। इसके भजन काम बड़ा इजी लगता है लेकिन बड़ा औखा काम है। अब फिलहाल ये है 3 सुराख कर लिए हैं, इसकी एक फिटिंग बनाना ही बड़ा मुश्किल काम है। अभी आपके भाई ने फिटिंग शिटिंग बनाई है इसकी। यहाँ पर हमारी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने इसको ना यहाँ पर आगे आगे कट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर सही तरह बैठ नहीं रहा था, तो अभी इसकी थोड़ी ना बाद में ज़रा फिटिंग शिटिंग बनानी पड़ेगी। दूसरा अभी इसके 2 ये सुराख रह गए हैं करने वाले, वो आपका भाई अभी सुराख मारेगा, क्योंकि सुराख भी हमारे पास ड्रिल तो है नहीं, बस खड़पेचों की मदद से ही सुराख मारने पड़े हैं, क्योंकि बाद में सुराख इनके मैं नट्स वगैरह अच्छे लगाऊंगा, लेकिन फिर यार इनको मैं खड़पेचे लगा रहा हूँ सिर्फ एक दफ़ा बिठाने के लिए। उसके बाद जाके इसको ड्रिल मरा के अच्छी तरह वो कोई हल्की शल्की वाले हैवी किस्म के नट इसको यहाँ पर लगा लेंगे हम, उसका मसला नहीं है। बाकी भी तरह ये फिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या साफ बन रहा है क्या नहीं। फिलहाल सीन कुछ ऐसे है कि बॉय आपका लगा पा और जो ना है ब्लॉग बनाना नहीं बन रहा, टाइम नहीं मिल रहा। अभी सुबह से लेके दोपहर से लेके बल्कि रात हो गई है, ये आप देख सकते हैं अभी सिर्फ एक साइड हुई है, एक साइड को हमने फिट शिट करके गाड़ी भी यहाँ से थोड़ी ड्रॉप कर दी है, फुल डेड नहीं की, क्योंकि अभी ज़रा एक दफ़ा थोड़ी करके बाद में इसको ज़रा डेड शेड करते फिरेंगे। एक दफ़ा थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की यानी कि गैप ख़त्म किया है, हल्की सी फिटमेंट बनाई है, तो ये साइड जो है ये हो गई है ओके। अब इस साइड पर जक्शक लगाया है, इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है, और आपका भाई ने ज़रा वो लेंथें ले रहा है के बराबर करके जितना ये इसका है ना सारा सिस्टम वगैरह इतना ही उधर करना है, तो उसके हिसाब से ना सारे कैट वो उधर है ना लेंथ वगैरह लेके इसकी, तो फिर वहाँ से हम जो है ना वो क्या कहते हैं हाँ निशान लगा के फिर कटिंग करेंगे। बाकी यहाँ से जो हमारा पीस उतरा है वो है ये, इतना पीस हमने उतारा है तकरीबन, अगर हम आपको मैं दिखाऊँ मैंने कितना उतारा है, तो ब्रदर ये उतरा है तकरीबन 5 मिलीमीटर आपके भाई ने उतारा है, बाकी इतना ही वहीं से उतरेगा तकरीबन, और ये सारा सिस्टम है। बाकी आपसे मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ आगे जो भी होता है। नहीं दूसरी तरह घुमाई, नहीं बेहतरीन है, आहा हा क्या एक एक सूत्र का गैस बिल्कुल सीधा कर दे, बिल्कुल बेहतरीन मजेदार। क्या फिलहाल गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होगी ऑल ओके,
तो व्लॉग में साथ साथ कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि यार काम में बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सारा कुछ खुद करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेरी गुड गुड बहुत ज़्यादा। अगर मैं बाहर से कराता, वर्कशॉप से कराता तो मैं कहता तब भी इतना परफेक्ट नहीं होता था जितना अब हो गया। हर किस्म की अपनी फुल सेटिस्फेक्शन जिसे होती है ना वो ही बढ़िया। बाकी फ़िलहाल हालात कुछ ऐसे हैं, ये आप देख सकते हैं, और गाड़ी के हालात अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे हैं, और गाड़ी आ चुकी है वापस अपनी एक वही पुरानी हाइट पे हमारी। तो फ़िलहाल आपको मैं सीन दिखाऊं, तो कुछ ऐसे से सीन है, बिल्कुल हमारी है किनारी फिटफिट बन रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं सारा कुछ कैसे बनाया, तो हमने यार जी निशान लगा के पूरी अपनी कैलकुलेशन के साथ प्रॉपर इसको निशान वगैरह लगाए हैं, निशान वगैरह लगा के जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पे उसको थोड़ा सा नीचे छोड़ के उससे थोड़ा सा नीचे करके कट लगाया, क्योंकि इसके ये स्क्रू वगैरह भी लगने हुए थे। अभी मैंने इनको सादे से लगाए हैं, जिसको काला खड़पेचा बोलते हैं, उससे लगाए हुए हैं, ताकि हमने एक दफ़ा फिटिंग बनानी थी, बाद में इसको हम ड्रिल से प्यारे से सुराख करा के तो इसमें बाकायदा कोई अच्छे अच्छे नट लगा देंगे, ठीक हो गया। तो उससे बाद अगर हम देखें बात करें इस तरह करके ये लग गया हमारा। उसके बाद परली तरफ जो था, पहली तरफ पहले आपको पता है रिम बहुत ज़्यादा वायर था, उसको कैम्बर नहीं हुआ हुआ था, उसको कैम्बर किया है, कैम्बर करके सेम उसी तरह गाड़ी ड्रॉप की है, और सेम जो इसकी जो है ना कैलकुलेशन सेम वैसे ही कैलकुलेशन की है जो परली तरफ थी, सेम बिल्कुल 0-0 जिस तरह परली तरफ फेंडर लगाया था सेम उसी तरह फेंडर लगाया। बाकी यार फेंडर ये आता है यहाँ तक, लेकिन वो मुझे बुरा लगना था इसलिए आपके भाई ने यहाँ से बड़ा प्यारा सा इसको कट दे दिया, जो कि बिल्कुल आई थिंक सो लुकिंग मच बेटर, क्योंकि आगे आ जाता बार बार उसने बम्पर को भी तंग करना था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओके। बाकी गाड़ी अभी गंदी है, गाड़ी को एक दफ़ा वॉश करते हैं अभी बाहर बाहर से। पहले मेरा दिल था इसको पूरा साफ कराऊंगा, लेकिन एक दफ़ा इसको बाहर से वॉश कर देते हैं अभी ओके करके। लाइटें शर्ट फिट होने वाली हैं, बम्पर खोला था ये, बम्पर सेट करते हैं वापस अपनी जगह पर, और फिर आपको इसकी एक लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पप्पू काम हो गया वैसे, बाकी अभी इसको फिट शिट करके फिर आपको एक ना फाइनल लुक दिखाते हैं क्या बनी है क्या नहीं।